इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। अहमदनगर का ये मकबरा शहर में मील पत्थर की हैसियत रखता है। ये अहमद निजाम शाह का मकबरा है। पुराने अहमदनगर शहर का नाम उनके ही नाम पर रखा गया है। बहमनी राजशाही खत्म होने के बाद अहमद शाह निजाम ने ही सन 1490 में निजाम की दक्कनी हुकूमत कायम की थी। 15वीं और 17वीं शताब्दी में आज के महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा निजामशाही की हुकूमत में शामिल था। निजामशाही के संदर्भ में सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि भारत में स्थानीय मुसलमानों की यह पहली हुकूमत थी। इस खानदान के मुखिया मलिक निजाम उल मुल्क का देहांत 1486 में हो गया था। निजाम उल मुल्क बहमनी हुकूमत में दरबारी थे। दरअसल वो पथरी गांव के ब्राह्मण कुलकर्णी परिवार से थे, जो पेशे से मुनीम था। निजाम उल मुल्क धर्म परिवर्तन करके बहमनी सुल्तान के युवा साथी बन गए थे। उनका बेटा अहमद निजाम बाहरी जुन्नर का सूबेदार था। उसी ने बहमनी बादशाह को हराकर निजामशाही हुकूमत कायम की और अहमद निजाम शाह का खिताब अपना लिया। अहमद निजाम शाह की मौत के 16 साल पहले अहमदनगर शहर बसाया गया था। इसकी दिलचस्प कहानी यह है कि यह शहर बाग-ए-निजाम पर बसाया गया था। इसी जगह पर अहमद निजाम शाह ने सन 1492 में बहमनी फौज को हराया था और यही वो जगह थी जहां अहमद निजाम शाह 120 मील दूर स्थित दौलताबाद के किले पर निशाना साधने के लिए अपना डेरा डाल लेता था। अहमदनगर में अहमद निजाम शाह का मकबरा उसकी विरासत की निशानी है। उस जमाने में पूरे जोश से बहती हुई सीना नदी के किनारे पर मौजूद ये इमारत 500 साल पहले निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल रही होगी। मकबरे के शिल्प से ये भी साबित होता है कि अहमद निजाम शाह भारतीय मूल के थे। मकबरे पर बने कई प्रतीक और चिन्ह बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मंदिरों पर बने होते हैं। एक रोचक बात और भी है, वो ये कि इस मकबरे में अहमद निजाम शाह और उनके कुछ दरबारियों की कब्रें हैं, जबकि उनके बेटों और वारिसों को इराक के पवित्र शहर करबला में दफनाया गया है। अहमदनगर का मजबूत किला भी इस शहर के शानदार इतिहास की गवाही देता है। ये शहर सन 1600 तक निजामशाही की राजधानी रहा, उसके बाद राजधानी को औरंगाबाद ले जाया गया। सन 1636 में मुगल बादशाह शाहजहां ने निजामशाही को पराजित कर राजधानी पर कब्जा कर लिया। अहमदनगर में आज भी अनगिनत स्मारक हैं, जो आपको निजामशाही के दौर में झांकने का मौका देते हैं, जिनमें खूबसूरत मस्जिदें, शानदार महल, बाग बगीचे और मनोरंजन के स्थान शामिल हैं।